अंकित बायनपुरिया ने अपनी नेचुरल बॉडी और डेडिकेशन से जो अचीव किया है वो किसी से छुपा नहीं है। ये बंदा कभी जिम नहीं गया। अपनी देसी डाइट फॉलो करके, घर पे सपाटे मार मार के और नेचुरल वर्कआउट करके इसने ऐसी बॉडी बना ली जो कि बड़े से बड़े स्टार्स इंजेक्शन लगा के भी नहीं बना पाते। नेचुरल बॉडी और फिटनेस ही वो रीजन है जिसने अंकित को इतना फेमस बनाया है। इवन ये एक काफी फेमस सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर है हमजा। आप में से शायद कई लोग इसको जानते भी हो। इवन ये भी पहले कुछ ऐसा कमजोर दिखता था और इसने खुद ये बताया है कि इसने शुरुआती दिनों में अपनी बॉडी नेचुरल वे में होम वर्कआउट और नेचुरल डाइट से ही बिल्ड करके ट्रांसफॉर्म किया है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी की तरफ पहला स्टेप ही आपकी फिटनेस से शुरू होता है, क्योंकि आप कभी भी एक अच्छी नेचुरल बॉडी वाले पर्सन को लेजी, डीमोटिवेटेड या डिप्रेस्ड नहीं देखोगे, बल्कि ये आपको फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड ही बनाता है। और साथ ही एक अच्छी नेचुरल बॉडी बनाने के लिए और अपना वेट गेन करने के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हजारों रुपए खर्च करके सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, क्योंकि आज हम आपको एक प्रैक्टिकल टू फॉलो वर्कआउट प्लान देंगे जिसे आप अपने घर पे ही फॉलो करके एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। सो व्हाट मेक्स ए बॉडी एस्थेटिक? नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि आप एक्चुअल में चेज क्या कर रहे हो। आपको ऐसे ओवरली मस्कुलर बॉडी बिल्डर नहीं बनना। आपको चाहिए ऐसी बॉडी शेप जो आपके लुक्स को एनहांस करे, आप एनर्जाइज फील करो, अच्छे दिखो और अच्छे खासे स्ट्रांग हो जाओ। और ट्रस्ट अस, ऐसी बॉडी अचीव करना 10 गुना ज्यादा सिंपल है, लेकिन ऐसी बॉडी आपकी कुछ हफ्तों में नहीं बनेगी। विजिबल प्रोग्रेस देखने के लिए आपको एटलीस्ट खुद को 90 दिन देने होंगे। एस्थेटिक फिजिक डेवलप करने का सिंपल मतलब होता है अपने मसल मास को बढ़ाना और फैट को कम करना। ये करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनमें से आप एक भी मिस कर दोगे तो आप कभी अपनी आइडियल बॉडी अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहला है वर्कआउट। वर्कआउट के दौरान आप अपनी मसल्स को ब्रेक करते हो, यानी तोड़ते हो। दूसरा है डाइट। जो मसल्स आपने ब्रेक करी हैं, डाइट में मौजूद प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स उन मसल्स को रिपेयर करके उनका साइज बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और लास्ट है रिकवरी। नाउ ये जो मसल रिपेयरमेंट का पूरा प्रोसेस है, उसे स्पीड अप करने के लिए आपको चाहिए सफिशियंट रेस्ट, जो कि अच्छी गहरी नींद से मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, वर्कआउट। एक स्टैटिक बॉडी के लिए आपको बस फोकस करना है अपने नेक, ट्रैप्स, अपर चेस्ट, लैटरल डेल्ट्स, लैट्स और एब्स पर, जो बॉडी को वी शेप लुक देता है जो कि सुपर अट्रैक्टिव होता है। इस वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो करके आप बिना जिम के इन की मसल्स को अच्छे से टारगेट कर पाओगे। आपको फॉलो करना है एक पुश पुल लेग्स स्प्लिट। टारगेट ये है कि आपको हफ्ते में 6 दिनों तक दिन का सिर्फ आधा घंटा निकालना है और एक भी दिन मिस नहीं करना। आप सिर्फ संडे मिस कर सकते हो। मंडे पुश, ट्यूसडे पुल, वेंसडे लेग्स, थर्सडे पुश, फ्राइडे पुल, सैटरडे लेग्स, संडे रेस्ट। इन तीनों की कंप्लीट गाइड हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, जिसे आप अपने फोन में आसानी से कॉपी कर सकते हो। बस इस लिंक को अपने फोन में ओपन करने से पहले इस स्ट्रॉन्ग ऐप को इंस्टॉल कर लेना, जो कि एक फ्री वर्कआउट प्लान ऐप है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। इस ऐप ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है, बल्कि हम ये आपको खुद रेकमेंड कर रहे हैं। अब आते हैं वर्कआउट पे। पुश, पुश वाले दिन करनी है आपको टोटल 5 एक्सरसाइजेस। नंबर 1 पुशअप्स। स्टार्ट करो पुशअप से। ये चेस्ट और आर्म्स को टारगेट करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको टोटल 3 सेट्स करने हैं और हर एक सेट में अपने अकॉर्डिंग 5, 10, 15 कितने भी रैप्स कर सकते हो। नंबर 2 बेंच डिप्स। इसके लिए आपको एक बेंच चाहिए या अपने घर की कोई छोटी टेबल या फिर चेयर्स भी चलेगी। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स और चेस्ट को टारगेट करेगी। हो सके तो अपने ऊपर थोड़ा वेट भी रख लो। इसे आपको इस तरह परफॉर्म करना है, पर एकदम सीधा, और अपनी एल्बो को 90 डिग्री तक लेके जाना है। इसके भी आपको 3 सेट करने हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मैक्सिमम रैप्स के साथ। नंबर 3 लैटरल रेज बैकपैक। ये एक्सरसाइज आपके डेल्ट्स को टारगेट करेगी, जिससे आपके शोल्डर्स ग्रो होंगे और शोल्डर से ही आपका पूरा बॉडी साइज काफी वाइड दिख के आता है। इसीलिए इस पे खास ध्यान रखना। इसके लिए आपको चाहिए बस एक बैकपैक जिसमें आपको भरना है वेट। इसमें आप किचन से जाके सब्जियां भर सकते हो, बुक्स डाल सकते हो, पानी की बॉटल्स डाल सकते हो, या फिर बाहर से पत्थर लाके बैग को हैवी बना सकते हो। आपको करना यह है कि एक हाथ में बैग लेके उसे स्ट्रेट अप और डाउन करना है इस तरह से। इसके टोटल 2 सेट्स करने हैं मैक्सिमम रैप्स के साथ। नेक कर्ल्स। नाउ ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, कोई इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, बट नेक वो हिस्सा है जो आपके ब्रेन को आपकी बॉडी से कनेक्ट करता है और ये आपके एस्थेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो, कैसे थिकर यानी मोटी और हैवी नेक एक पर्सन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अब जरा इस फोटो को देखो, दोनों ही सेम पर्सन है, अच्छी बॉडी के साथ, बट एक थिकर नेक होने की वजह से राइट वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। आपको भी अपनी नेक पे फोकस करना है और नेक कर्ल्स के 2 सेट करने हैं विद मैक्सिमम रैप्स। इसे करने के लिए एक फ्लैट बेंच पे या बेड पे लेट जाओ, अपना सर बाहर लटका के उसे इस तरह कर्ल करते जाओ। नंबर 5 फ्लैट लेग रेज। ये एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के कोर के लिए, जो टारगेट करेगी आपके एब्स को। इसमें आपको बस इतना करना है कि खाली जमीन पे सीधा लेट के अपनी थाइस को एक साथ चिपका के दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर लेके जाना है और पूरा ऊपर उठाना है। देन वापस नीचे लाते टाइम जमीन को टच नहीं करना और वापस ऊपर लेके जाना है। ऐसे करके 2 सेट्स लगाने हैं मैक्सिमम रैप्स के साथ। ये हुआ पुश डे। नेक्स्ट है पुल।
यहाँ भी आपको टोटल 5 एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें सबसे पहली है नंबर 1 पुलअप्स। ये क्लासिक एक्सरसाइज आपके ट्रैप्स और लैट्स को टारगेट करेगी। एक अच्छी और वाइडर बैक के लिए पुलअप्स बहुत जरूरी है। इसे आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हो। इसे करने के लिए और एक अच्छी ग्रिप के लिए चाहो तो एक पुलअप बार लेके अपने घर पे लगा दो। ये पुशअप से ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए इसे स्टार्ट करने के लिए इन्वर्टेड रो करो। किसी टेबल के नीचे ऐसे आके एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए, आप इसमें अलग वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। इसके टोटल 5 सेट्स करने हैं मैक्सिमम रैप्स के साथ। नंबर 2 वन हैंड श्रग्स बैकपैक। ये आपके ट्रैप्स के लिए है, जहां आपको एक हैवी बैकपैक लेके 1x1 एक हाथ से अपने ट्रैप्स के बल पे उठाना है। आप चाहो तो इसे दोनों हाथों में अलग अलग बैकपैक लेके भी कर सकते हो। आपको इसके 5 सेट्स लगाने हैं मैक्सिमम रैप्स के साथ। नंबर 3 हैमरकल्स बैकपैक। ये एक्सरसाइज है आपके बाइसेप्स के लिए, जहां अपने बैक के दोनों स्टेप्स को हाथों में पकड़ के उसे इस तरह से ऊपर लाना है। बाकी की 2 एक्सरसाइजेस सेम रहेंगी जो आपने पुश डे पे हिट करी थी। नेक कर्ल्स के 2 सेट्स और लेग रेस के भी 2 सेट्स। लेग्स नेवर स्किप द लेग डे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बॉडी ऐसी दिखे तो कभी भी लेग्स को स्किप मत करना। स्ट्रॉन्गर लेग्स के लिए आपको करनी है ये 3 एक्सरसाइजेस। नंबर 1 बॉडी वेट स्क्वाट। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो आपके हैमस्ट्रिंग से लेके काफ्स तक सारे लेग मसल्स को टारगेट करती है। आपको इसके 3 सेट्स करने हैं मैक्सिमम रैप्स के साथ। बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। ये आपकी कोर थाइस को टारगेट करेगा, जिसे आपको एक छोटी टेबल या चेयर के सहारे एक पैर रख के इस तरह परफॉर्म कर सकते हो। इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं मैक्सिमम रैप्स के साथ। नंबर 3 नॉर्डिक कर्ल्स। ये एक्सरसाइज है आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए। इसे करने का सिंपल तरीका है, एक पिलो लो, उसे अपने नीचे रख के अपने पैरों को घर के सोफे या ऐसी किसी सिमिलर चीज के नीचे डाल के अपने बॉडी वेट का यूज करके इस तरह परफॉर्म करो। लास्ट की 2 एक्सरसाइजेस अगेन सेम रहेंगी, नेक कर्ल्स के 2 सेट्स और लेग रेस के भी 2 सेट्स। ये हो गया आपका लेग डे भी फिनिश। आपको इस पुश पुल लेग्स के साइकिल को हफ्ते में 2 बार रिपीट करना है और आपका वर्कआउट कंप्लीट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट 2 पिलर्स हैं, वो है डाइट एंड रिकवरी। इससे अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड करा जाता है। आपको बस इतना समझना है कि आपका वेट तभी इंक्रीज होगा जब आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाना खाओगे। बट ज्यादा खाने का मतलब क्लीन हेल्दी डाइट है। चाहो तो आप जंक फूड खा के भी अपना वेट बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे आपकी एस्थेटिक बॉडी नहीं बनेगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मसल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, तो आपको सही अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करना है। आइडियली आपका जितना वेट है, एटलीस्ट उतना प्रोटीन तो आपको जरूर कंज्यूम करना है। जैसे आपका वेट अगर 60 kg है, तो आपको एटलीस्ट 60 g प्रोटीन हर दिन खाना है। और आपको बस एक प्योर क्लीन हेल्दी डाइट फॉलो करनी है और कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट, रिकवरी के लिए स्लीप से अच्छा कुछ नहीं है। आपको अपने हर एक दिन को इस तरह स्ट्रेटेजाइज करना है कि आप एटलीस्ट 8 hours से डे की नींद ले पाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।